बिहार में पश्चिम चंपारण के एक निजी होटल में राजद नेता शाह गोविंदगंज के पूर्व विधायक राजन तिवारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए कहे कि अगर हिम्मत है तो चंपारण के किसी भी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर दिखाएं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने विगत 4 सालों में केवल ठगने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हिटलर शाही की राजनीति कर रहे हैं। वह हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह सीबीआई व इनकम टैक्स की छापेमारी का डर दिखाते हैं। 2019 की लोकसभा के चुनाव में इस बार जनता उनको सबक सिखाएगी और 2020 में होने वाले बिहार के चुनाव में बिहार की वर्तमान सरकार के मुखिया को भी सबक सिखाएगी। ये जो नीतीश कुमार है, जो हम लोग को धोखा देकर गए, जो महागठबंधन की सरकार बनती से छल करके भागे और पलटी मार के भागे, ऐसे पलटी मार को हम लोग उतार करके और यहाँ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना करके ही दिखाएंगे और ये दम और ये प्रण लेते हैं। हम लोग काम किया, बिहार के बारे में लोग नहीं सोचा है, ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचने का काम करता है। नीतीश कुमार के सरकार में कितने मंत्री और कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग करके और घोटाला कर करके ही अपने मंत्री बने हुए हैं। ये सिर्फ भाजपा गठबंधन इसीलिए हुआ, भाजपा गठबंधन के साथ जब लालू जी यादव जी के साथ देते तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम थे तो ये घोटाला नहीं हो पा रहा था, इसीलिए घोटाला नहीं हो रहा था, इसलिए इन्होंने सरकार से संबंध तोड़ा और घोटालाबाजों का साथ किया और लगातार दोनों आदमी ने मिलकर के बिहार का लूटने का काम किया। मैं देखिए यहाँ पे जितने भी उम्मीदवार हैं अभी, मैं तो अपने लायक उनको नहीं समझता हूँ। मैं चाहता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, जो जुमले की सरकार उन्होंने बना रखी है, जो झूठ की सरकार उन्होंने बना रखी है, जो विगत 4 वर्षों से जनता को ठगते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री दोनों लोग मिलकर के किसी को सीबीआई के डर पे डरवाते हैं, किसी के डर से डरवाते हैं, जो उनके खिलाफ बोलता है उसके यहाँ छापा डालवाते हैं, उनके यहाँ रेड करवाते हैं, उसको जेल भजवाने का काम करते हैं, उनके यहाँ नोटिस भजवाने का काम करते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहें INN24 पर। नमस्कार।